कैसा इश्क है उर्दू जबान का, नशा आता है उर्दू बोलने में। तारीफ करते हैं, ये इस मुल्क के लिए डेंगू या एड्स से ज्यादा खतरनाक है। तारिक साहब खुद ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। तारिक फतेह पे हमला किया गया, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इस्लाम तहजीब बेअदबी की इजाजत नहीं देता। बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज है उर्दू। अब्यूज़ करना, तो अब्यूज़ करना या गाली देना या किसी को उन पर हमला करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। वो किसी जलसे में शरीक करते हैं तो लोगों को उनके साथ इस तरह जो है बिहेव नहीं करना चाहिए। वहाँ जो 50 से 100 लोगों ने मुझ पर दंगा किया और मुझे घेरे में लेके पीछे से मारा, सामने से बाय द वे किसी ने नहीं मारा। मैं कुछ वॉइस आउट करूँ जो शायद मुझे पसंद ना हो या मुझे पसंद हो और लोगों को पसंद ना हो, कोई आके मुझे ऐसे सरेआम मार नहीं सकता। हमला हुआ तारिक फतेह पर, वो सही नहीं था। अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो वो सही नहीं है। तारिक फतेह हमारे बीवी बच्चों के साथ और नौजवानों के अंदर पॉपुलर है, सेल्फी ले रहा, अब लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मेरा नाम तारिक फतेह है और एक बार फिर आपके सामने फतेह के फतवे के साथ हाजिर हुआ हूं। पिछले दिनों मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गलत फहमी जो मेरे जहन में थी वो दूर हो गई। मैं ये समझता था कि इस शो के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी तनकीद करता हूँ हमारे आलम दीनों पे या मौलानाओं पे, और मैं समझता था कि शायद वही मुझसे नाराज़ होंगे और जो तरक्की पसंद लिबरल सेक्युलर मुसलमान हैं उनकी सोच शायद अलग होगी। ये गलत फहमी उस वक्त मुझे दूर हुई जब पिछले दिनों मैं रेखता फेस्टिवल, जो उर्दू लिटरेचर, सपोजिटली उर्दू लिटरेचर की प्रमोशन के लिए दिल्ली में हो रहा था, मैं वहाँ गया कुछ उर्दू की किताबें ख़रीदने के लिए, और वहाँ मुझ पर जो हमला हुआ उसमें कोई मौलाना साहब नहीं थे, एक आध बेचारे थे दूर बोर, उनका हिस्सा नहीं लिया। वहाँ जो 50 से 100 लोगों ने मुझ पर दंगा किया और मुझे घेरे में ले कर पीछे से मारा, सामने से बाय द वे किसी ने नहीं मारा, हर एक ने पीछे से और सोटियों से मेरी टांगों पर, वो सब के सब सेक्युलर लिबरल प्रोफेशनल मुसलमान थे। उनमें डॉक्टर थे, लॉयर्स थे, स्कूल टीचर्स थे और अपने आप को अदीब समझने वाले राइटर्स टाइप के लोग थे। उनके जहन में जो सोच है कि तारिक फतेह, फतेह का फतवा, अगर ये हमारे बीवी बच्चों के साथ और नौजवानों के अंदर पॉपुलर है और सेल्फी ले रहा और लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता। जी न्यूज़ के एक लाइव टेलीविजन शो के अंदर एक मौलाना साहब ने तो सीधा मुझ पे कहा कि तुम्हारी गर्दन कटेगी, और अगर ये बात काफ़ी नहीं थी तो अब जी न्यूज़ के जो मालिक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन पे भी फतवा लग गया है। अभी ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद जब हम आएंगे तो मेहमानों से तारुफ कराएंगे। दिल्ली के जिस कार्यक्रम में तारिक फतेह पहुंचे वहां कई लोग उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे, इनमें बच्चे, महिलाएं और हर उम्र के लोग शामिल थे। जाहिर है ये वही लोग थे जो जी न्यूज के कार्यक्रम फतेह का फतवा की वजह से तारिक फतेह को जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इसी बीच करीब 100 लोग मौके पर पहुंचे और तारिक फतेह के चारों ओर घेरा बना लिया। इस दौरान जश्न रेखता के आयोजकों में से कोई नहीं पहुंचा और तारिक फतेह के साथ धक्का मुक्की होती रही, उनके साथ बदसलूकी होती रही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अगर ऐसा किसी अन्य मीडिया के साथ हुआ होता तो न जाने अब तक इंडिया गेट, जंतर मंतर के पास कितने तथाकथित बुद्धिजीवियों ने धरना दे दिया होता। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी कहा कि न हम डरे थे न ही हम डरेंगे, राष्ट्र समाज के हित में सेवा करते रहेंगे, जिसे जो कहना और करना है वो कर ले। और ये भी कि धमकी तो आतंकी हाफिज सईद जैसों ने भी दी, फिर ऐसी छोटी मोटी धमकियों से क्या डरना। फतेह का फतवा है कि बोलने की आजादी के खिलाफ मजहब को हथियार बनाने की साजिश बंद होनी चाहिए।
आज जो हमारा मुद्दा है वो ये कि मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में अगर बहस नागवार गुजरती है तो उसको रोकने के लिए क्या वायलेंट होना या एकदम दंगा फसाद करना या फतवे लगाना ज़रूरी है। इसी मुद्दे पे आज बहस करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनका पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। अंबर जैदी हैं हमारे साथ, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शी इज़ हेड ऑफ़ अ प्रोडक्शन कंपनी। आप बिल्कुल यू आर यंग मुस्लिम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनके साथ एक और हमारे नौजवान दोस्त जनाब गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब डेंटिस्ट हैं। मेहरबानी आपकी मौलाना फारूक मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी गंगोही सदर ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर राधा भर। क्या बात की आपने, मुबारक हो। आइए दादा। और आखिर में हमारे जाने पहचाने ऑथर इंडिया के जिन्होंने एक दफ़ा अवार्ड वापस भी किया है, रहमान अब्बास साहब। मेहमानों से बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। मुझे फेस्टिवल के अंदर धक्का मारा जाता है, टेलीविजन शो के अंदर धमकियाँ दी जाती हैं। ये ज़रा एक वीडियो क्लिप देखिए, ये जी न्यूज़ के ऊपर। फतवा से क्या तकलीफ हो रही है? फतवा तो ऐलान है, ऐलान हक है, सुन लीजिए। ये देखिए, ये ऐलान हक है, खत्म हो गई वो दास्ताने जब चाकू निकाल के मार दिए जाते थे। आप अब दारा शिखों की गर्दन नहीं कटेगी, वो आपके हिंदुस्तान में दारा शिखों की गर्दन नहीं कटेगी। अब गोली याद रखिए, औरंगजेब मर गया। अब सुनो, अब दारा शिखों की गर्दन नहीं कटेगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन। रहमान अब्बास साहब, आपने देखा ये क्लिप। अब इस किस्म की गुफ्तगू टीवी पे होती है, फेस्टिवल्स में जाए लोग धक्काबाजी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के लिबास बदल जाते हैं लेकिन सोच वही रहती है, और इस पे खामोशी तैयार हो जाती है। जो नॉर्मल आदमी बात करना चाहता है, जो अपोज करना चाहता है, वो डर जाता है कि शायद मेरे साथ भी यही ज्यादती हो। नहीं, इस पर किसी तरह से हिंदुस्तान का कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान, समझदार मुसलमान और हिंदुस्तान का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी इस बात को देखकर खुश नहीं हो सकता, उसका दिल दुखी होगा। क्योंकि हमारी जो रिवायत है हिंदुस्तान की, वो जो मुश्तरका रिवायत है, उसमें हम इख्तलाफ़ कर सकते हैं। मैं आपके ख्यालात को नापसंद कर सकता हूं, आपसे शदीद इख्तलाफ़ कर सकता हूं, लेकिन आपको धमकी नहीं दे सकता, आप पर किसी तरह का हमला नहीं कर सकता। अंबर, आप तो फिल्म प्रोडक्शन में हैं और एक मुसलमान फैमिली से दिल्ली में ही रहती हैं आप। एज ए यंग पर्सन, आपको घुटन फील होती है कि जो बात आप कहना चाहती हैं या सुनना चाहती हैं, आप पे दबाव है कि कुफर का इल्ज़ाम लग जाएगा? वहाँ पर 100 लोग थे, 50 लोग थे जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे। उन्होंने आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उन्होंने नारेबाजी की, आप पे हमला किया, आपको असॉल्ट किया, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे और वो आपको वहाँ से निकालना चाहते। मनोज साहब, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, बताइए आपका तासुर क्या था। आपने वो जो कलकत्ता के मौलाना हैं उनकी बात भी सुनी, रेखता के अंदर जो हुआ है वो उसका भी आपको पता है, आप इसको क्या वजह समझते हैं? देखिए, कोई तहरीर हो या तकरीर हो, तो अगर वो किसी के मज़हब पर अटैक कर रही है या किसी के ख्यालात से टकरा रही है, तो वो अपने ख्यालात की वजह से वो ऐसा कर सकता है और करता है, और इजहार राय का सबको हक है, लेकिन अटैक इख्तलाफ राय का भी हक है। करने के नहीं है साहब, किसी को असॉल्ट करने का किसी को हक नहीं है। ये गुनाह कबीरा में से एक आता है, किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना, किसी की बेइज्जती करना। आप मेरी बात तो सुने कि अखलाक इसका नाम नहीं है कि आप किसी के भी ख्यालात से, किसी के भी जज्बात से या किसी के भी धर्म से या मज़हब से खिलवाड़ करें। आप अपने तरीके से आप आज़ाद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर। तो यानी हमला सही था? नहीं नहीं, फिर हमले की मैं हिमायत नहीं कर रहा। आप देखिए, जबान कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं आप। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ एक सेकेंड। देखिए, आपका जवाब तो देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, आपसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना यासिर नदीम साहब ने आपसे कहा कि भाई आप नहीं नहीं आप मुझे इधर बात करें ना, मैं आप मैं कह रहा हूँ ना, बताएं तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो आप सामने बैठे, आप सामने बैठे बात करें ना। हाँ, तो आपसे बात करें, आप इस्लाम बयान कीजिए, इस्लाम के सवालात कीजिए। अरे आप तो इस्लाम के जो
सवालात उठाते हैं उनको तरोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस्लाम में इजाजत है किसी को पिटाई करना? इस्लाम में कौन पिट रहा किसी को? ये मेरे साथ क्या हुआ रेखता में? ये आपके साथ जो हुआ ये आपका जाती मामला है। अच्छा मेरा आप जो है ऐसा शो चला रहे हैं जो दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको अखलाकन चाहिए कि उसे बंद कर दें। नहीं बिल्कुल और आप समझते हैं मजहब को बुरा ना कहें ना, तो आप तो एक मुसलमान मुसलमान जो हैं वो एक मुसलमान को पिटाई कर रहे हैं, धक्कम पेली कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, कह रहे हैं मुर्दाबाद यानी उसको मौत आए, और आप समझते हैं कि ये आपकी नज़र में कोई गलत बात नहीं है जिस पे आपको निकल के कुछ बोलना चाहिए? या एक मौलाना कह रहा है इसकी गर्दन काट दो तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में तो गर्दन कटने का आपने बता ही दिया था, यहाँ तो कटती नहीं किसी की। अरे यहाँ कहाँ कट रही गर्दन? आप कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं आपकी गर्दन। अरे वो तो संविधान नहीं कर रहा, विधि नहीं करने दे रही आपको। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आपने जो कहा कि उर्दू राइटर्स वहां पर थे और उन्होंने, मैं जितने मेरे उर्दू अदीबों से बातें हुई हैं उन सबका ये ख्याल है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए रहमान साहब मैं एक बात बताऊं, चार घंटे तक एक राइटर नहीं आया। मैं एक सेकंड मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि ऑर्गेनाइजर में से एक शख्स नहीं आया, मैं ये सवाल। ये तो उस ऑर्गेनाइजेशनल टीम की वीकनेस है ना, तो वो सारे अजीब मुसलमानों का क्या लेना देना? अरे तक साहब चाचा घंटे तक मैं कौन सी बात हुई? ये तो गलती है, ये उनकी गलती साहब। मुझे कोई मारे इस स्टूडियो में बैठकर और वहाँ जी टीवी से कोई भी नहीं आए तो क्या बोलेंगे आप? गलती है इनकी, गलती है ना, टीवी वालों की। उनकी गलती है। डॉक्टर साहब लॉजिकल बहस जो है आइडियाज की बहस में मौत और हमला कहां से आ जाता है? मुझे केवल 3 मिनट देना आप, प्लीज। 3 पॉइंट्स बोलने हैं मुझे इस पर। प्लीज बोलिए। पहली बात तो जिन लोगों ने आपके वीडियोस बनाए जी उनमें, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आतंकवादी हैं, लेकिन आईसिस वाले जो करते हैं वो क्या करते हैं कि आदमी की गर्दन पे छुरी काटते हैं, वो उसका वीडियो बना के पब्लिश करते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि ये सब कर सके, तो वो जितने जिस प्रकार से लाते मार रहे थे या जो भी कर रहे थे उसके वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले, दो भेजे जी। नंबर एक। नंबर दो, हम सब बैठ के जो बात कर रहे हैं ना अभी, हम बीमारी की बात, बीमार की बात कर रहे हैं, उसके लक्षणों की बात कर रहे हैं, मूल बीमारी क्या है उसकी बात नहीं कर रहे। क्या है तो मूल बीमारी जो है हमारे अंदर मानसिकता जो चल रही है, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे और उन्होंने जो डाला था कि जो कुछ भी भारतीय है वो गैर इस्लामिक है। बहस को आगे बढ़ाने से पहले ये दो लोगों की वीडियो देखिए जिन्होंने अपने इनटॉलरेंस के बेसिस पे अवार्ड वापस किए थे। शायद उनकी सोच से कुछ लोगों को विरोध है और उस विरोध के चलते उनकी प्रेजेंस को वहाँ एतराज के रूप में लिया गया और शायद आयोजकों पर यह दबाव बनाया गया कि उनके उन्हें क्यों बुलाया गया। ये बहुत दुखद है, अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चिंता की बात है कि कोई भी बाहर का मेहमान हमारे किसी भी अदबी कार्यक्रम में शिरकत के लिए आता है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको अगर विचार प्रकट करने का कहीं अवसर है तो ये विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी उसको होनी चाहिए। ये असही शूरता तो नहीं है, असही शूरता तो वो है जो वो कर रहे हैं तारिक फतेह। ये इस मुल्क के लिए डेंगू या एड्स से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये फैसला हुकूमत को करना चाहिए, अरबाब इख्तदार को करना चाहिए कि इस मुल्क में डेंगू या एड्स को फैलाना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अभी आपने मुनव्वर राणा को सुना और नंद भरद्वाज को भी सुना, सर बताइए ये देखिए कि यानी काले लिबास में जब सब्स रंग चुपकर सामने आता है ना तो ऐसी घटिया जबान में अपने आप को पेश करता है। आप मुनव्वर साहब की बात? मैं मुनव्वर साहब की बात कर रहा हूँ। उनको इनटॉलरेंस को डिवाइड इस तरह करके नहीं देखना चाहिए। जो इनटॉलरेंस है वो इनटॉलरेंस है, चाहे वो मुसलमान करें, हिंदू करें, दलित करें या कोई और करें। हम एक दूसरे के ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे आपकी बहुत सारी बातें जो नापसंद हैं लेकिन इसके बावजूद मुझ पर लाजिम है मैं आपका एहतराम करूँ। ख्यालात का जवाब ख्यालात से दिया जा सकता है, बहस का जवाब बहस से दिया जा सकता है, इख्तलाफ का जवाब इख्तलाफ से दिया जा सकता है, लेकिन किसी का एहतराम नहीं करना, किसी की तोहीन करना, किसी पर पत्थर उछालना, किसी के पुश्त पर उसको मारना, ये सब इंतहाई ग्रीवी अखलाकन हरकतें हैं, बहुत ग्रीवी हरकतें हैं
और ये इन हरकतों को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुनव्वर साहब ने तो अपना अवार्ड वापस किया था और उन्होंने उस वक्त ड्रामा किया था। मुनव्वर साहब ने तो उर्दू जो पोएट्री की रिवायत है, जो तरक्की पसंद रिवायत है, उसको बदनाम किया था। हमने तब भी इनके खिलाफ हमने सख्त बातें कही थी। ये तो ऐसे तमाशा करने की आदत है और इसी तरह का तो मुशायरा भी जो वो पढ़ते हैं वो इसी तरह का पढ़ते हैं, एक शर्मा पर, एक बाग पर, एक हुब्बुल वतनी पर, और ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। और हम इनकी मजम्मत करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम आपसे इख्तलाफ करते हैं लेकिन इनकी मजम्मत करते हैं। आप समझते हैं कि इसमें कुछ वजन है कि मैं डेंगू या एड्स की वबा की तरह हिंदुस्तान में आया हूँ? देखिए, कम बीमारी है। यहाँ तो हर आदमी को अपने अपने एतबार से सोचने का भी और कहने का भी हक है। अच्छा, रही बात, आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेके, एक ही तबके को लेके, एक ही मजहब और धर्म को लेके बात कर रहे हैं तो जाहिर है उन्हें विरोध करने का हक है। अलबत्ता ये है कि अखलाक से नहीं गिरना चाहिए, उसके जो कानून है हमारे मुल्क के उस एतबार से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक बात फिर आती है कि ये वो लोग जिन्होंने धड़ाधड़ जाके सारे अवार्ड वापस दे दिए, वो कहाँ चले गए जब ये सब बात खबर में आई? वो कहाँ गए बड़े बड़े एडिटर और बड़े बड़े दानिश्वर जो कह रहे थे हम अवार्ड वापस कर देंगे? कि उसी वक्त अवार्ड वापस होता है जबकि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो। हमने उन हिंदुस्तानियों से जिन्होंने इंटॉलरेंस के नाम पर अवार्ड वापसी की थी ये पूछा कि जो मेरे साथ हुआ, जो इंटॉलरेंस मेरे साथ हुई, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है? लीजिए सुनिए। किसी ने कहा कि आपकी आज़ादी उस जगह ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है। यहाँ तक आप अपना हाथ फैलाए आपकी आज़ादी है, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन जब आप मेरी नाक से आगे बढ़ेंगे जिससे मुझे चोट लगने का ख़तरा होगा तो मैं ये कहूँगा कि उसको हम मज़हब में मुदाखलत कहेंगे। हुकूमत को ख़ुद चाहिए था, पुलिस को, जुडिशरी को, कि इसके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी का, तौहीन मज़हब का मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन जब हुकूमत सोई रही, जुडिशरी सोई रही, पुलिस खामोश रही, तो लोगों ने शायद इसे अपने हाथ में ले लिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी ज़िंदा है, अभी उसको इतनी मार नहीं पड़ी है कि ये मर गया होता। किसी भी धर्म में जो कट्टरपंथ की सोच है ना, उसकी मैं विरोध करता हूँ। किसी भी धर्म की हो चाहे, वो शो करता है तो चलने देना चाहिए, उसके बराबर कोई जो दलील है उस दलील से जवाब देना चाहिए। हम समझते हैं इंटॉलरेंस है, अगर कुछ लोग इन पर अब यहाँ पर किसी ढंग से हमला करें, उन पर मारने की कोशिश करें, वो इंटॉलरेंस है। लेकिन अगर वो बदबख्त उधर से ही ऐसे मजहबी जज्बात में दखल देता है जिनमें नहीं देना चाहिए, तो उनको आप अपना मेहमान बनाइए तो वो सारी बस्ती का, सारे समाज का, सोशल सोसाइटी का मेहमान नहीं बन सकता है। आप आए हैं सर आंखों पे, लेकिन लेकिन मैं तो ये है कि अगर आप किसी के भी मजहब के खिलाफ या किसी भी रिवायत और अकदार के खिलाफ कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो उसका जो सलूशन है, जो तरीका है हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, वही अपनाना चाहिए। नहीं, मैं क्या इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा हूँ, मुझे जरा बताइए। आप तो ये तो बात तय है कि आप सरासर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। बताइए क्या इस्लाम के मुताबिक तो आप बोलते ही नहीं, क्योंकि आपका इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, आप सिर्फ जबान से मुसलमान कहें तो इससे मुसलमान नहीं हो जाता। अंबर, लेकिन मुसलमान हो ना, एक सेकंड अंबर को बोलने की आजादी तो है। वन सेकंड, आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजन एक तो स्पिरिचुअल होता है और एक होता है सोशल। रिलीजन, आप एक हिंदू है, वो 125 बार मंदिर की परिक्रमा करता है, उससे उसको भगवान से नज़दीक महसूस करता है, उसको उससे एलिटमेट मिलती है। और एक मुसलमान है, मैं हूँ, आप हैं, पांच बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के आगे, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अल्लाह के नज़दीक महसूस करते हैं। ये हमारी एक बहुत पर्सनल चॉइस है, ये हमारे खुद के लिए है, हम अपने लिए हैं। मैं आपको ये, मुझे या आप कोई भी, हम एक दूसरे की जो इबादत करने का तरीका है उसको कम ज़्यादा अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सोशल, जो हमारा एक सोशल रिलीजन है, जिस तरीके से हम सोसाइटी में रहते हैं, क्या वो हम एक उसमें एक कॉमन ग्राउंड नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मुसलमान वही भी कह रही हूँ। हाँ, दुनिया में रहने का तरीका अलग होता है और रिलीजन एक अलग चीज है। हम दोनों चीजों को, इस्लाम को, मुस्लिम को, हम दोनों चीजों को मिला रहे हैं। अलग चीज है, आज भी उन 1300 साल पुराने रूल्स के साथ जी रहे हैं।
जो उस वक्त की कल्चर और उस वक्त की सोसाइटी के साथ है, जो 14 मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। मैं दुनिया में रहने के तरीके को, सलीके की बात कर रही हूँ। दुनिया में हर आदमी अपने अपने तरीके से जी रहा है। जो रूल्स बने थे वो आज से 1300 साल पहले, जानवर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान अपने अपने तरीके से, बोल तो लेने दे। नहीं क्या, या और जो लोग रह रहे हैं, क्या जानवरों के तरीके से रह रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, जो जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान कुरान और सुन्नत के खिलाफ चल रहा है या बोल रहा है, तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये जो तुम्हें क्या बोला हमने, बात वही वही हमारी वही 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 प्रॉब्लम है, बता दो कुरान के विरोध में, कुरान के विरोध में ही आज तक का जितने भी संशोधन चल रहे हैं, पर्दे के उदाहरण दे, पर्दे की धज्जियां उड़ाई, जबकि पर्दा तो इस्लाम का हुक्म है, तो ये मुसलमान नहीं है, ये बच्ची मुसलमान नहीं है। आपसे मुसलमान नहीं हूँ, आप मुसलमान बच्ची नहीं है। देखिए, जब आप इस्लाम के कानूनों को मानेंगी तभी तो आप पक्की मुसलमान कह रहे हैं, ऐसे तो मुसलमान है। अंबर की बात कुछ सुन ही नहीं पा रहा। एग्जैक्टली मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जो रिलीजन है, हम नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे, अल्लाह के सामने खुद को उसके नजदीक महसूस करते हैं, या कोई एक्स वाई जेड हिंदू है वो 135 बार 125 बार मंदिर की परिक्रमा करता है, खुद को भगवान से नजदीक महसूस करता है, एलिटमेंट मिलती है उस चीज़ से, वो एक हमारी पर्सनल चॉइस होती है। हम रिलीजन को, जो हमारा सोसाइटल नॉर्म्स है, उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। हम जो इस्लाम में यही करते हैं, हम रिलीजन और जो सोशल नॉर्म्स है उसको मिक्स करके हमने सियासत को मिक्स करके हमने एक अपने अंदर सोसाइटी में एक जहर बना लिया है। पूरी दुनिया में आप वर्ल्ड ओवर चले जाइए, कोई भी मुस्लिम को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है। यही तो इस्लाम दुश्मनी है, यही मुस्लिम दुश्मनी है। आपको लग रहा है कि तारिक साहब की वजह से पूरी दुनिया हम लोगों की दुश्मनी है? आप जैसों की वजह से मुसलमान जो है बदनाम है, इसलिए कि आपने इस्लाम का नाम तो रख लिया। आपको लगता है कि आप ऑथराइज हैं मुझे गैर मुस्लिम कहने के लिए? मैं आपको गैर मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, आप इस्लाम की सुन्नत से हटी हुई है। आपको लगता है कि आप जैसे, मतलब आप मेरे लिए ऐसा बोल सकते हैं? आपको पता है इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, आपको पर्दा करना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर्दा तो नहीं है, पर्दा है नहीं है सर, औरत माने ही पर्दे प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का आप बताते हैं। पर्दा जितना इस्लाम में औरत के लिए है उतना मर्द के लिए भी है, आप इस चीज से अग्री करते हैं? नहीं करते। मर्द के लिए क्या, मर्द तो पर्दों में ही है, आपके लिए सर ढकना भी है ना? अरे सर नहीं ढकेंगी औरत, जो रूल जहाँ से आए हैं अल्लाह के यहाँ से आए हैं। नहीं, शरिया अल्लाह का क्या है? बिल्कुल 13वीं सदी, नहीं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए। रहमान अब्बास का सवाल, मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं वही, जहाँ पर रहमान साहब, जहाँ पर वो शरिया नहीं है जो अफगानिस्तान में तालिबान लाना चाहते हैं, यहाँ पर एक कानून है, एक हमारा उसूल है जिसके तहत हम जीते हैं। इस मुल्क में लोगों के अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग मजाहिब हैं, सबको अपने तौर पे क्या जिंदा रहने का हक है या नहीं? अपने अपने तौर पे जिंदा रहने का हक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। तो आप उनकी आपको मदाखलत करने का हक है? मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें अपने तौर पे जीने का हक है या नहीं, अपने तौर पे जिए, लेकिन ये ना कहे कि ये इस्लाम है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस्लाम की बात है, जिस तरह से हमें चाहते हैं, देखिए जिस तरह से हमें चाहते हैं इस्लाम को और जो सोसाइटल नॉर्म है मुस्लिम्स के लिए वो मिक्स कर रहे हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं। फतेह साहब का जो नजरिया है, नहीं उनका नजरिया तो है, आप उनके प्रोग्राम देखते हैं, आप उनके प्रोग्राम देखते हैं, मैं देखता हूं, मैं तो देखता नहीं हूं, आप क्यों देखते हैं? ऐसे है, आपको देखने की जरूरत क्यों पेश आई? वो अक्सरियत वाले
कल्चर को अकलियत पर थोपना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं सर झुका होना चाहिए, कहीं उसका जिक्र नहीं है कुरान में, और आप लोगों ने दुनिया भर में फैला दिया कि जो औरत बुरका ना पहने वो सही मुसलमान नहीं है। बुरके की कायद नहीं है ये, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पर्दे की कायद है, पर्दा क्या पर्दा होना चाहिए? पर्दा तो लफ्ज है ही नहीं। औरत के माने खुद पर्दे कहने, वो पर्दे की मैंने देखिए मौजू, देखिए अब्बास भाई मौजू ये है कि वो सोच जिससे एक शख्स दूसरे को कत्ल करने पे आ जाए, बिल्कुल वही था। और उसकी ओरिजिन क्या है? अगर हम छुपे बैठे आगे पीछे गलत किस्म की बातें करके जो आम तौर पे होती हैं कि साहब इट्स रिलीजन ऑफ पीस और जनाब ये है और हमारा नौकरी पेशा है और हम सोशल नॉर्म्स हैं, ये सर इशू सिर्फ एक है। ये कौन सी सोच है जिसकी बेसिस पे मुनव्वर राना ये कहते हैं कि मैं एड्स का वो हूँ, कैरियर हूँ? ये कौन सी सोच है जो एक मौलाना को कहती है तारिक फतेह की गर्दन काट दो।